बीजेपी उनको ये दो चीज दिखती है क्या, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं दिखता है। चोर है, बेईमान है और पूरी जगह बेईमानी कर रही है। जहाँ हार रही सब सीटें वो बेटियाँ बदल जाती हैं। आज अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है, कोई जानता ही नहीं था 5 साल पहले। ये तो फिर मोदी की लहर से आए हैं अनुराग शर्मा जी। हम जानना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत से मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, साथी हैं, उनसे पूछना चाहेंगे इस 2024 के इलेक्शन में किस मुद्दे पर वोट करेंगे, वो क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पे 20 तारीख को मतदान होना है। हम बात करते हैं यहाँ लोगों से। क्या नाम है आपका? सिद्ध बाबा। बाबा जी, 20 तारीख को झांसी में इलेक्शन है, आप किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे, कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? देखो आज पहले जी तो जितनी ये खेती जा रही है, किसान बेकार हो गया, वो गुलाम बनेगा, विदेश कंपनी आएंगी तो गुलाम बनेगा, यहाँ के उनको मजदूरी नहीं मिलेगी। सस्ता होना चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए किसान के लिए, पानी का टैक्स खत्म होना चाहिए, ये गरीब तो मर ही जाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि महंगाई है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है? हाँ हुआ है, मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ, हुआ है। आज उनकी पसंदी देखिए, वैक्सीन से देखो आप, आदमी की 10 साल उम्र कम हो गई है। बाबा जी तो आप किस पार्टी को चुनना चाहिए, कैसी पार्टी चुनना चाहिए जो देश को बदलेगी? आपको लगता है कांग्रेस देश बदल देगी? हाँ बदल देगी, जो वादा जो कहती है वो वादा करती है। कांग्रेस जो कहती है वो वादा करती है, करती है, वो किया है। तो आप बाबा जी एक चीज बताना चाहेंगे मुझे, आखिर ऐसा क्यों? 10 सालों में लोग कहते हैं बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, आप उसके बाद कह रहे हैं बीजेपी ने ये किया है। देखिए बीजेपी उनको ये दो चीज दिखती है क्या, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं दिखता है। ये बेचारे वो मजदूर है, क्या खाएंगे? ये दुकान है जितनी, ये बंद हो जाएंगे अगर एक मिनट, जब इनको मजदूरी नहीं मिलेगी तो ये दुकान बनियों की नहीं चलेंगी, बंद हो जाएंगी। जब इनको पैसा मिलेगा, भरपूर मजदूरी मिलेगी, तभी ये दुकान चलेंगी। तो आपको लगता है मजदूर को इस समय उसकी मजदूरी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, सब खाते हैं। आज 6,000 दे रहे हैं स्टेशन पर, काम कर रहे हैं दिन भर 12 घंटे, 6,000 में क्या हो रहा है? 6,000 में अपने घर पाल लेंगे, या 3 किलो 5 किलो गेहूं दे दिया तो 5 किलो में से कितना बचा? 3 किलो, 2 किलो उसमें मार देते हैं, क्या महीने भर के लिए हो जाएगा? हम कह रहे गेहूं मत दो लेकिन मजदूरी दो। और भी लोग हैं जिनसे बात करना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? मजदूरी। 20 तारीख को झांसी में इलेक्शन है, वोट डालना है, आप कैसे प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस को? कांग्रेस ही क्यों? क्योंकि मालूम क्या, हमें रोजगार नहीं है, ये खड़े फुटपाथ पे रोजगार बिल्कुल नहीं है। रोजगार होता आदमी को वोट देते। बीजेपी सरकार ने आपको रोजगार नहीं दिया क्या? नहीं दिया। क्या आपको लगता है कांग्रेस रोजगार देगी? हाँ। बाबू जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो है मगर आप बात उल्टी कर रहे हैं, वो बुरा नहीं मानना। आप कह रहे हैं कांग्रेस को क्यों? हाँ क्यों कांग्रेस को आगे? नहीं तो कांग्रेस में कोई वो तो हो ही अच्छा है, ये भी लोग कह रहे सब। बीजेपी क्यों? कांग्रेस बीजेपी चोर है, बेईमान है और पूरी जगह बेईमानी कर रही है। जहाँ हार रही सब सीटें वो बेटियाँ बदल जाती हैं हाल। तो आपको लगता है कि भाजपा बेईमानी करती है? हाँ करती है 100%। तो आप इस लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार? और कोई नहीं आ रहा। और कोई नहीं आ रहा? नहीं। क्या नाम भैया आपका? अरे बस भैया मजर अंसारी। मजर साहब एक बताइए, 20 तारीख को झांसी में चुनाव होना है, इसको लेकर आप कैसी पार्टी पसंद करेंगे? पार्टी भैया दोनों ठीक है लेकिन कांग्रेस ज्यादा अच्छी है। पार्टी दोनों ठीक है लेकिन कांग्रेस अच्छी है। कांग्रेस अच्छी है जी, तो सब फालतू की बातें है, फालतू की बातें, कोई बातें नहीं है। उन्होंने कहा भैया 400 पार कड़ुआ तेल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा 400 पार। भाई साहब यही दो चीजें हो पाई, बाकी तुमको भी 5 किलो गल्ला मिल रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस के राज्य भैया मट्टी का तेल मिलता था, शक्कर मिलती थी, हर कुछ मिलता था, पैसे लगते थे, ₹10 लगते थे। ये कोई बात क्यों नहीं हुई? मतलब कुल मिला के भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है भाई साहब, बहुत कुछ बढ़ा है। ज्यादा बयान क्या कर पाऊँ? नहीं आप बोलिए, आपको खुल के बोलने का अधिकार है, भारतीय नागरिक है, संविधान कहता है तो आप खुल के बोलने का अधिकार रखते हैं, आप बोलिए। तो भाई साहब यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, सब बेईमानी मक्कारी चल रही है। जो वक्त आएगा वोटर भी चुपचाप खड़ा है, सबको मालूम है कि हमको क्या करना है, चुपचाप जाके वोट डाल जाएगा। और भी लोग हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर इस 20 लोकसभा चुनाव में किस तरीके का मतदान करेंगे, खुलकर मतदान कर क्या है? ये क्या नाम है आपका? नहीं हम तो बोला ही नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी। तो ये तो झांसी की जनता जिससे हमने रुझान जानना चाहा, लेकिन देखने वाली बात है यहाँ पे हर व्यक्ति भाजपा को कोसता नजर आ रहा है और कांग्रेस के पक्ष में अपनी बात रख रहा है। आखिर क्यों ऐसा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसके बाद भी अब देखना ये होगा कि आखिर 4 जून को आने वाले नतीजे क्या कहते हैं, किसके पक्ष में मतदान होता है, किसकी सरकार बनती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त मौजूद है हम झांसी के सीकरी बाजार में, जहां 2024 के इलेक्शन को लेकर हम कुछ, हमारे साथ ऑटो चालक हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर वो किस तरीके का चुनाव चाहते हैं, किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं और क्यों मतदान करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अली हैदर है। अली हैदर साहब, 20 तारीख को लोकसभा का चुनाव, आप कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे? मैं यहाँ से झांसी से ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहता हूँ कि जो कि हमारी समस्याओं का सुने, हमारी समस्याओं का समाधान करें। क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं ये हैं कि यहाँ पर हम लोग टेम्पू चालक हैं, यहाँ गाड़ियाँ लगाते हैं और भी कुछ लोग वहाँ पे आगे लगा के, हम लोग यहाँ पर नंबर से चलते हैं, कुछ लोग आके यहाँ पर रोड को जाम करके बेईमानी से भरते हैं, मतलब अलीगढ़। क्या आपको लगता है कोई ऐसा प्रत्याशी इस समय, भाजपा से प्रत्याशी है, कांग्रेस से प्रत्याशी है, 2 व्यक्ति इलेक्शन हो रहा है, इसमें कौन आपकी मदद कर सकता है? इसमें हमारी मदद प्रदीप जैन जी कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों प्रदीप जी क्यों कर सकते हैं आपकी मदद? क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, स्कूटर से मैंने उन्हें घूमते हुए देखा है। और आप अगर शर्मा जी की बात करें तो मैंने 5 सालों में उनको देखा ही नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? घनश्याम जी। 2024 का चुनाव हो रहा है शहर, इसमें आप किस तरीके का प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? प्रत्याशी तो वही चुनेंगे जो मन से अपने होगा, जैसे की कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, बसपा भी है, आप किसको पसंद करना चाहेंगे? पसंद तो हम वही करें, प्रदीप जैन। क्यों आखिर प्रदीप जैन? क्यों? प्रदीप जैन अच्छा कैंडिडेट है। अच्छा कैंडिडेट है, कोई जानता ही नहीं था 5 साल पहले। ये तो केवल मोदी की लहर से आए हैं अनुराग शर्मा जी, केवल मोदी लहर में आए। आखिर इन्होंने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया, ना कोई जानता है उन्हें। क्या नाम है भैया? मेरा नाम कमालुद्दीन है। कमालुद्दीन भाई, ये 2024 का इलेक्शन है, 20 तारीख को झांसी में वोट पड़ना है, आप किस तरीके का प्रत्याशी चुनना चाहिए, क्या समस्या है झांसी की? मैं प्रत्याशी ऐसा चुनना चाहूँगा की जमीनी आदमी हो। अभी तक 5 साल के अंदर हमारे जो पिछले सांसद जी हैं, इन लोगों ने शकल नहीं दिखाई अपनी झांसी के अंदर, और मैं ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहूँगा जो जमीनी हो। जमीनी प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य हैं। आगे प्रदीप जैन क्यों? और बीएसपी का प्रत्याशी भी है यहाँ पर जी। देखिए, बीएसपी के प्रत्याशी की शकल अभी तक तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन प्रदीप जैन हम लोगों से जुड़े हैं, जमीनी प्रत्याशी हैं। और हकीकत यह है कि हम लोगों की, टेम्पू वालों की, ऑटो वालों की काफी हेल्प करी उन लोगों ने। अभी बीच में भी कुछ समस्याएं आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी हेल्प करी, हमारे आपे चालकों की हेल्प करी उन्होंने। DRM ऑफिस साथ में गए थे, और वो जमीनी आदमी हम लोग की हमेशा हेल्प करते रहते हैं। इनका जो दूसरे अपने सांसद हैं, वो आज तक हमें जो है झांसी के अंदर नजर नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? ताहिर अली। ताहिर भाई, ये 2024 का चुनाव हो रहा है, 20 तारीख को झांसी में मतदान होना है, इसको आप किस नजरिए से देखते हो, कैसा प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे? भाई, प्रत्याशी तो हमारे प्रदीप जैन है, क्योंकि जब भी हम लोगों ने याद किया तो स्टैंड की खातिर हम लोगों को खड़े हुए। हम लोग चाहते क्या है कि हमारी मदद करने वाला ही हो। तो आपको लगता है कि प्रदीप जैन आपकी मदद कर सकते हैं और कोई आदमी मदद नहीं कर सकता? भाई, हम लोगों ने जितने वो भी लेटर दिया या उनके आगे गए या बंगले पे खड़े हुए, हाँ आ जाएंगे, मिल लेंगे, उसके बाद शाम को हम लोगों में लटियाई हुई, कोई आया नहीं। प्रदीप जैन के साथ एक बार गए हम, उन लोगों को उन्होंने हमारे साथ DRM ऑफिस में भी गए, हम लोगों की मदद करी। तो भैया जो मददगार, उसके लिए हमारा वोट। तो ये लोग हैं ऑटो चालक है जो अपनी बात तो कह रहे हैं, लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इन लोगों का कहना ही है कि हमने आज तक 5 साल में सांसद को देखा नहीं। क्या नाम है आपका? संजू प्रजापति। संजू जी, 20 तारीख को झांसी में वोट पड़ना है, आप किस तरीके का इलेक्शन देखना चाहते हैं, किस प्रत्याशी को पसंद करना चाहते हैं? मैं अनुराग शर्मा को। प्रत्याशी अनुराग शर्मा। हाँ, और प्रत्याशी भी है मैदान में? क्यों, मुझे सुरक्षा अच्छी चाहिए, सुरक्षा मिल रही है। ये आपको सुरक्षा मिल रही है अनुराग शर्मा के माध्यम से? हाँ, अनुराग शर्मा के माध्यम। अब जैसे भी हो निकले हैं अच्छे अनुराग शर्मा। और भी लोग हैं हमारे साथ में जिनसे हम बात करना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? छत्रपाल लोधी। योगी जी, झांसी में इलेक्शन हो रहा है, 20 तारीख को वोट पड़ने हैं, आप किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? आपको बीजेपी सरकार चाहिए। इस बार 400 पार जरूर हुआ, 100%। बीजेपी इस बार 400 पार 100%। बीजेपी 400 पार 100%। क्या आपको महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई नहीं है, शांति है। शांति है, शांति बनी है। चलिए, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं, जो बताएंगे हमको कि इलेक्शन कैसा होना चाहिए। क्या नाम है? बोलने से कतरा रहे हैं। आइए आप बताइए, आप 2024 का इलेक्शन क्यों भाई डर क्यों रहे हैं बोलने? तो ये थी झांसी की जनता जो बता रही है कि 2024 का इलेक्शन है। हम भी और लोगों से भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कि उनका कहना क्या है। फिर भी जहाँ तक देखा जाए तो लोगों के अंदर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के प्रति रुझान ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार, महंगाई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, केवल बीजेपी 400 पार।